हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब जानने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या है, इसका लिस्ट काउंट क्या है और इसका लिस्ट काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल है वर्नियर कैलिपर्स क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसका दूसरा नाम स्लाइड कैलिपर्स भी है, क्योंकि ये स्लाइड भी करता है इसलिए इसे स्लाइड कैलिपर्स भी कहा जाता है। इसके कुछ पार्ट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये फिक्स जॉ है और ये मूवेबल जॉ है। ये एडजस्टिंग व्हील है, ये स्क्रू है जिससे स्केल को फिक्स किया जाता है। ये मेटेलिक स्ट्रिप है और ये डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप है। यहां जो स्केल आप देख रहे हैं, ये दोनों स्केल, ऊपर वाला और नीचे वाला, इस स्केल को कहा जाता है मेन स्केल। और यहां जो स्केल आप देख रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला स्केल, उस स्केल को कहा जाता है वर्नियर स्केल। तो ये जो डिवाइस वर्नियर कैलिपर है, ये तीन तरीके से मेजरमेंट कर सकता है। ये एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, किसी भी लेंथ को ये मेजर करता है जिसको मीटर स्केल से हम मेजर नहीं कर सकते। सबसे पहले हम मेजर करना चाहते हैं, मान लीजिए इसका डायमीटर, ये पेंडुलम बॉब है, इसका डायमीटर मेजर करना चाहते हैं। तो इसको बीच में प्लेस करेंगे और रीडिंग लेकर इसका डायमीटर निकालेंगे। अब मान लीजिए एक लेंथ जो इंटरनल डायमीटर हमको निकालना है, तो इंटरनल डायमीटर, ये तो सही से करेक्शन इस पर रीडिंग नहीं आ पाएगा, तो क्या करेंगे, ये वाला इंटरनल जो है उससे हम रीडिंग लेंगे। देखिए ये रीडिंग आ जाएगा। अब मान लीजिए इसका डेप्थ निकालना है, तो ना ये अंदर जाएगा ना ये अंदर जाएगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे इस स्लाइडिंग व्हील्स की सहायता से। ये अंदर चला जाएगा, इस तरह से इसका डेप्थ भी मेजर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है कि इसका लिस्ट काउंट क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, लिस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू होता है जो किसी भी डिवाइस मेजर कर सकता है। इस केस में क्या है, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स और स्लाइड कैलिपर्स इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। सो यहां जो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है उसमें कुछ फॉर्मूला का यूज करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मेन स्केल, ये मेन स्केल है, यहां जो स्केल आप देख रहे हैं वो सेंटीमीटर में है, ऊपर जो स्केल आप देख रहे हैं वो इंच में है। अब यहां जो लिखा हुआ है 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD, उसका मतलब समझते हैं। सो इसको जीरो पर सेट करते हैं, ये आपका जीरो पर सेट हो गया। इस स्केल को कहेंगे मेन स्केल डिवीजन, इस स्केल के डिवीजन को कहेंगे मेन स्केल डिवीजन और इस स्केल के डिवीजन को कहेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन। सो यहां हमने लिखा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो स्केल है वो वर्नियर स्केल है, कितना है, 1 division 2 division 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर कितना लिखा हुआ है, 9 मेन स्केल डिवीजन। ये जो मेन स्केल है, ये जो मेन स्केल है वो 9 होना चाहिए। सो कैलकुलेट करते हैं वो 9 है कि नहीं। सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, देखिए इसके साथ मैच, इसका 10 डिवीजन इसका 9 डिवीजन के बराबर है, ये लाइन इसके साथ मैचिंग है। सो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है।
सो वन वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन. सो लिस्ट काउंट वाले फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखते हैं, लिस्ट काउंट 1 MSD - 1 VSD. सो 1 MSD को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 VSD यहां जो हमने वैल्यू निकाला उसको यहां पुट करते हैं. अब यहां से MSD कॉमन कर लेते हैं, सो 1 - 9/10. सो यहां देखिए LCM लेने के बाद 10 - 9/10, सो 1/10 MSD, ये आपका हो जाएगा 0.1. तो इसको कैसे लिख सकते थे, 0.1 × 1 MSD तो लिख सकते थे. अब 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है. ये कैसे होता है इसको समझते हैं. देखिए ये मेन स्केल डिवीजन है, ये जो आप देख रहे हैं वो मेन स्केल डिवीजन है, और ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ, तो सेंटीमीटर में देख रहे हैं. सो ये आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके अंदर है 10 डिवीजन, इसके अंदर है 10 डिवीजन. तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है, और 10 डिवीजन दिया हुआ है, 10 डिवीजन में 10 मिलीमीटर, सो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर. सो 1 डिवीजन किसका, 1 डिवीजन 1 MSD, 1 मिलीमीटर. इस तरह से 1 MSD 1 मिलीमीटर के बराबर होगा, और 1 मिलीमीटर यहां हम रख देंगे, इसके जगह में 1 रख दिए, और ये मल्टीप्लाई करके 0.1 मिलीमीटर में आंसर आया, और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल संजीव सर फिजिक्स को सब्सक्राइब करें.